शुक्रिया जी मीरुद्दीन साहब का, पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। और आज मैंने जाना था मर्दान, लेकिन मैं सिर्फ जाना, और मेरा पहली दफ़ा कोई ऐसा विजिट है मीर भाई का या डिसेबल का कि मैं फुल टाइम अवेलेबल नहीं हूँ। डिसेबल क्रिकेट के साथ जो है ना, मेरा साथ बहुत पुराना है। आप समझ लें कि जब सिर्फ कराची की टीम आई थी, पिंडी का पहला टूर किया, डिसेबल अभी पाकिस्तान में शुरू भी नहीं हुई थी, तो उस वक़्त से मैं मीर भाई के साथ, सलीम करीम साहब, पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, और पिछले कई सालों से पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट ने ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान ये जो क्रिकेट है, आप लोग अब कहीं किसी मुल्क में भी जाके खेल सकते हो। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अब कोई नहीं है। बाकी आप लोग मेहनत करें, और जिस तरह ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मीरू भाई और उनकी पूरी टीम अपने साथ जो लगाई हुई है, तो ये मेरा ख्याल आने वाले वक्त में आप लोग भी, जैसे मैं तो डिसेबल कहता भी नहीं था शुरू से ही, कि आप लोग भी उसी तरह क्रिकेट खेलते हैं जैसे कि हम लोग जब बाकी दूसरे लोग खेलते थे। तो आप लोगों को सबको मुबारकबाद है कि आप लोग जो है ना इस तरह चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको ऑन करे, ICC इसको ऑन करे। पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पूरी तरह, जिस तरह बाकी एसोसिएशंस को वो सपोर्ट करते हैं, इसी तरह ये बोर्ड का आप लोग हिस्सा हो, तो हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। जो है ना, याज अकबर साहब भी काफ़ी जो है ना इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और मीरू भाई तो कर ही रहे हैं, और बाकी जो लोग रीजन्स में अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं, प्लेटफॉर्म दिया है, मेरा ख्याल है इससे बड़ी और कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डिसेबिलिटी एसोसिएशन जनाब